Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 26 of formal methods in the software engineering. Last lecture में हमने different industrial examples को discuss किया था कि आपके पास industry की कौन-कौन सी examples हैं, ठीक है, कौन-कौन सी techniques हैं, कौन-कौन सी methods हैं. हमने अपनी जितनी चीज़ें भी discuss की थी, जो हमने अपना predicate logic देखा था, फिर हमने अपना जो proposition calculus देखा था, जो हमने वो सारा logic discuss किया था, उसके अंदर जितने भी rules थे, जितने भी regulations थी, उनको हमने formal specification के साथ integrate किया था, ठीक है. हमने industrial examples देखी थी, gaming की logical problems देखे थे, different problem statements को देखा था, और उन तमाम problem statements को हमने integrate किया था अपनी formal method के साथ, कि उसकी हम language किस तरह define करेंगे, हम उसके rules किस तरह define करेंगे, और उन तमाम चीज़ों को हम किस तरीके से integrate करेंगे system के साथ, ताकि system जो है वो आपका systematically तरीके से चल सके और वो manage हो सके. तो आज का जो मेरा lecture है, ठीक है, उसी की continuation है. Last time हमने इस lecture को end किया था, ठीक है, अपनी कंडीशनल करेक्टनेस के ऊपर, ठीक है. तो आज हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे इंशा ताला, और आज की क्लास में हम और फर्दर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, इसकी जो फर्दर चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सिस्टम में उसको लिंक करके उसको यूज़ कर सकते हैं. तो जो हमारे पास कंडीशनल करेक्टनेस है, वो हमने कहा था कि बेस कर रही है थ्री फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है. एक हमारा फैक्टर उसमें इनिशियल स्टेट है, दूसरा सेट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है, और थर्ड वाज फाइनल स्टेट है. ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये डिफाइन कर रही है, ठीक है. अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनिशियल स्टेट्स क्या होगी, सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होंगी, और फाइनल आपकी स्टेट क्या होगी, और इन तीनों की इंटीग्रेशन किस तरह होगी, और हम इन तीनों रूल्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्सप्रेसेस द कंडीशनल करेक्टनेस ऑफ एस, कि जो हमारे पास कंडीशनल करेक्टनेस है एस की, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, कि जो हमारी कंडीशनल जो भी हमारी कंडीशनल करेक्टनेस है वो क्या है, किस तरीके से उसको मेजर करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है. देन हमारे पास बाइनरी सर्च है, ठीक है. बाइनरी सर्च में हमारे अब यहाँ भी हमने दो कंडीशंस ली है, एक हमने प्री कंडीशंस ली है और एक हमने पोस्ट कंडीशंस ली है. जो हमारे पास प्री कंडीशंस हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि अरेज मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म, ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास उसमें अरेज होंगी वो सारी की सारी सॉर्टेड फॉर्म में होंगी, ठीक है. और विच मीन्स दैट इन ऑर्डर टू वर्क दिस प्रोग्राम प्रॉपरली वी नीड टू स्टार्ट विद अ गिवन कंडीशन. यानी अब इसका मतलब क्या, आप क्या कह रहे हैं कि विच मीन्स दैट इन ऑर्डर टू वर्क, कि जो इन ऑर्डर टू वर्क है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रॉपरली, वी नीड टू स्टार्ट विद अ गिवन कंडीशन, कि हमें उसके लिए कोई सर्टन प्री डिफाइंड कंडीशन देनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है. वो सारी की सारी आपकी क्या है, उसको हम कहते हैं प्री कंडीशन कहते हैं. पोस्ट कंडीशन में क्या होता है कि इफ द की इज प्रेजेंट देन यू विल गेट द इंडेक्स. अब यहाँ पे अगर तो आपके पास की प्रेजेंट है, देन तो हमें उस केस में हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इफ द की इज नॉट प्रेजेंट देन यू विल गेट सम वैल्यू विच विल टेल, ठीक है, अगर हम उसको फाइंड नहीं कर सकते तो फिर हमें कुछ उसकी रिटर्न में कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो हमें क्या बताएगी कि दैट द की इज़ नॉट प्रेजेंट डिजायर्ड आउटपुट, कि आपकी जो की है वो, ठीक है, जो आपकी की है वो आपकी प्रेजेंट नहीं है उस डिजायर्ड आउटपुट के लिए. तो यहाँ पे हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, इफ़ वी स्टार्ट विद पी, सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे थे कि यू विल गेट, अगर आपके पास वैल्यू है तो फिर तो आपको की मिल जाएगी, नहीं है तो वो आपको मैसेज कर देगा कि की आपकी नहीं है और वो आपकी डिजायर्ड आउटपुट उस सिस्टम में जो है प्रेजेंट नहीं है.
इफ वी स्टार्ट विद पी एंड एंडेड विद क्यू, अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं और क्यू पे कंप्लीट करते हैं, देन आवर प्रोग्राम इज कंडीशनली करेक्ट. यानी देखें, अगर हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम उसको पी से स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसको क्यू पे एंड कर रहे हैं, तो जो जो हमारा प्रोग्राम है कंडीशनली वो आपका करेक्ट है कि हमने पी इनपुट की थी और हमें जो उसमें रिटर्न वैल्यू मिली है वो हमें क्यू मिली है. इट मीन्स कि वो जो कंडीशनल है, हमने जो उस पर अपनी डिफरेंट कंडीशंस बनाई है, वो हमारा कंडीशनली ओके है. ठीक है, तो ये हमारी थी कंडीशनल करेक्टनेस कि पी एस और क्यू, कि एक उसमें आपकी इनिशियल स्टेट होती है, एक आपकी सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसमें फिर हमारे पास फाइनल स्टेट होती है. इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी कंडीशनल करेक्टनेस को फाइंड आउट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और सिस्टम के साथ उसको हम इंटीग्रेट करते हैं. तो ये हमारे पास थी कंडीशनल करेक्टनेस. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. अब हम इसमें अपनी हम अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट कंडीशन है, हम कहते हैं कि इसमें आपकी आपकी जो वैल्यू 10 है, ये लेस देन 0 है, और हम कहते हैं कि एस कॉलन एन एन इज इक्वल टू एन माइनस 1. अब इसमें जो हमारी प्री कंडीशन आ रही है, वो स्टार्टेड विद एन इज इक्वल टू 0 एंड एन माइनस 1, और इसको हम किस चीज़ पे एंड कर रहे हैं, हम इसको एन माइनस 1 पे एंड कर रहे हैं. सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि वो स्टार्टेड विद, अब यहाँ पे हमने जो अपनी एन की वैल्यू ली है वो हमने 0 ली है. ठीक है, और इसकी जो कम्प्लीटनेस है, इसकी जो एंडिंग है, जो लास्ट वैल्यू है, दैट विल बी एन माइनस 1. जबकि एक और पॉइंट हम इसमें चूज करते हैं, जहाँ पे हमने एन को जो है वो माइनस 10 के साथ इनिशिएट किया है, और एन माइनस 1 करके, और इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो माइनस 11 कर रहे हैं, विच मीन्स दैट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर एन. यानी यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, या हमारी कंक्लूजन क्या हो सकती है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं फॉर एन विच विल सेटिस्फाई द पोस्ट कंडीशन. यानी ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारी पोस्ट कंडीशन है, ये उनको सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी पोस्ट कंडीशन है. हम बाकी कंडीशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारी पोस्ट कंडीशन है, ये उनको सेटिस्फाई करेगा, बाकियों को सेटिस्फाई नहीं करेगा. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि वीकेस्ट प्री कंडीशन. अब इसके अंदर जो हमारी सबसे वीकेस्ट प्री कंडीशन है, एन लेस देन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, एंड देन गेट एन लेस देन 0. तो ये हमारे पास जो टोटल वीकेस्ट प्री कंडीशन है, जो जो हमारे पास सारी की सारी इस सिस्टम में जो प्री कंडीशन आ रही है, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें इसमें कह रहे हैं कि एन लेस देन इक्वल टू 0 ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, एंड देन गेट एन की वैल्यू जो है, ठीक है, उसको भी हम 0 से लेस कर रहे हैं. तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है कंडीशनल करेक्टनेस बनती है, कि कंडीशनल करेक्टनेस क्या है और उसकी वैल्यूज क्या है, और उन वैल्यूज को हमने किस तरह इंटीग्रेट करना है और किस तरह जो लिंक करना है. ठीक है जी, तो भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपनी वीकेस्ट प्री कंडीशंस को, कि हमारे पास जितनी भी हमारी वीकेस्ट प्री कंडीशंस हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, और उन वीकेस्ट प्री कंडीशंस की इंटीग्रेशन क्या है. तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास डब्ल्यू पी जो है स्टैंड फॉर वीकेस्ट प्री, यानी डब्ल्यू फॉर वीकेस्ट एंड पी फॉर प्री कंडीशन. Z colon is equal to X, comma Z greater than equal to Y. ठीक है जी, ये हमारी weakest, और हम साथ क्या कहते हैं कि जो X है वो greater and equal है Y के. यानी जो यहाँ पे हमारे पास X है वो हम ये इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि वो Y से greater और उसके equal है. और फिर हम कहते हैं कि weakest pre condition T colon is equal to X, कामा टी इज इक्वल टू एक्स ओ एंड एक्स ओ इज इक्वल टू एक्स ओ, देन डब्ल्यू पी. अब फिर यहाँ कहते हैं अब आई कॉलन इज इक्वल टू आई प्लस 1, और कब तक करना है कि जब आई लेस देन इक्वल टू एन, जब तक वो इससे लेस और इसके इक्वल नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा, और आई लेस देन एन. अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड एग्जम्पशन गिव मैनी वैल्यूज
to satisfy the final state and the middle give just one value. जो middle है उसमें just one values है और ये जो first statement है और जो third statement है इसमें हम अपनी multiple values को ठीक manipulate कर रहे हैं, check कर रहे हैं, ठीक है, उनके result find कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे क्या चीजें जो इसके laws हैं, जो rules and regulations हैं, वो हम क्या concrete करते हैं? हम ये कहते हैं कि array which is not sorted and you want to implement linear search. यानी first हम इसमें जो supposition है हमारी कि हम अपनी जो किस चीज की supposition के ऊपर ये सारे का सारा जो काम कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी supposition है वो यही है कि array which is not sorted and you want to implement linear search. यानी एक अरे है जो सॉर्टेड भी नहीं है और हम एक लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये इसमें हम इस चीज़ को हम सपोज कर रहे हैं. एनी कंडीशन आर इनपुट, यानी कोई भी जो कंडीशन है इनपुट के ऊपर, इफ डाटा इज नॉट सॉर्टेड स्टिल द लीनियर सर्च. अब ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो तो हमने इसमें अपनी सपोजिशन में एक बात कर ली, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. अगली जो कंडीशन ऑफ इनपुट है कि इफ डाटा इज नॉट सॉर्टेड, अगर डाटा आपका सॉर्टेड नहीं है तो स्टिल द लीनियर सर्च विल गिव यू रिजल्ट, वो आपको जो आपकी लीनियर सर्च है वो आपको रिजल्ट देगी, ठीक है. और जो इसमें वीकेस्ट प्री कंडीशन है, एनी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द अरे विल गिव द आउट दैट इज ट्रू, यानी जितनी भी आपकी डाटे की अरे हम बात कर रहे हैं कि एनी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द अरे जो उस अरे में है विल गिव द आउट दैट इज ट्रू, वो अगर ट्रू है तो. बट अब अगर हम इसी केस को बाइनरी सर्च में देखें, अगर हम इसी कंडीशन को बाइनरी सर्च में देखते हैं, तो इफ योर डाटा is not sorted you can not apply binary search. अगर हमारा डाटा सॉर्ट ही नहीं है, ठीक है, तो हम उस पर अपनी बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. और यहाँ पे इसमें जो वीकेस्ट पोस्ट सॉरी प्री कंडीशन है वो है स्पेसिफिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड. यानी अब देखिए यहाँ पे ये हमारा केस था, हमने कहा कि जो सॉर्टेड नहीं है और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लीनियर सर्च, तो हमने कंडीशन क्या बताई कि इफ डाटा इज नॉट सॉर्टेड स्टिल द लीनियर सर्च विल गिव यू द रिजल्ट. अब इसमें वीकेस्ट कंडीशन क्या है कि एनी इमेज ऑफ डाटा इज द अरे विल गिव द आउट दैट इज ट्रू, वो आपका ट्रू होना चाहिए, तो ये पूरा केस काम करेगा. यहाँ पे हमने क्या कहा है कि बाइनरी सर्च के अंदर यहाँ पे जो हमने अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इफ़ योर डाटा इज नॉट सॉर्टेड, अगर मेरा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई बाइनरी सर्च, तो मैं अपनी बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता. तो यहाँ पे जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है वो क्या है, वो आपकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगी तो फिर आप अपनी उस वीकेस्ट प्री कंडीशन को जो है यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है आप डिप्लॉय कर सकते हैं. तो ये हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन के कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थी जिन्हें हम रूल और रेगुलेशन को सिस्टम के साथ जो है डिप्लॉय कर सकते हैं. ब्रॉड, अब हम देखते हैं कि ब्रॉड कैट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, अभी हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि ब्रॉड कैट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती है. इसमें तीन चीज़ें हैं हमारे पास, फर्स्ट जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, सेकंड जो है वो हमारी सिलेक्शन है जिसमें हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, थर्ड जो है वो उसमें लूप स्टेटमेंट आ रहे हैं. तो ये जो हमारी थ्री स्टेटमेंट्स हैं, एक तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक इसमें सिलेक्शन है जिसमें हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, और थर्ड जो है वो आप कि जो है लूप स्टेटमेंट्स है. तो इन जो तीनों कंडीशंस हैं इसके ऊपर हम इसको बेस करते हैं. अभी हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट्स किस तरह काम करती हैं, फिर जो सिलेक्शन है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह काम करती हैं, और जो इसमें लूप स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह काम करती है. हम इन तीनों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं. जो हमारे पास असाइनमेंट एग्जियम्स हैं, ठीक है, वो क्या एग्जाम्स है कि हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है एक्स कॉलन इक्वल टू ई कामा क्यू एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्यू ई, और ये किसको कह रही है, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन को
रिप्रेजेंट कर रही है, और हम यहाँ क्या बात करते हैं, एक्स विल हैव द वैल्यू विच ई हैड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, यानी जो वैल्यू है वो उसके एग्जीक्यूट करने से पहले आपने देख ली है. क्यू ई डिनोट्स द प्रीडिकेट, यहाँ पे ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ई फॉर ऑल फ्री अक्रेंस ऑफ एक्स इन द प्रीडिकेट क्यू, यानी ये जो हमारे पास इसका रूल है, ठीक है, ये भी बहुत, यानी इसमें टू रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं टू रूल्स के ऊपर ये बेस कर रही है. फर्स्ट रूल जो हमारे पास है वो हमने क्या बताया है कि एक्स विल हैव द वैल्यू विच ई विच हैड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, ये फर्स्ट रूल है, हम इस रूल को अप्लाई करते हैं. सेकेंड जो हमारे पास है, हम क्या बात करते हैं कि हम उसमें अपनी बात करें कि वो हमने डिनोट करना है द प्रीडिकेट, जो उसकी जितनी भी ऑप्टेश जो हम उसको ऑप्टेन कर रहे हैं, जो हम उसको सब्सिट्यूट कर रहे हैं ई के लिए, फॉर ऑल फ्री, जितनी भी हमारी फ्री अकरेंस है उसके लिए, वो एक्स और क्यू के अंदर जितनी भी है वो सारी की सारी हम इस तरीके से कर रहे हैं. तो ये एक असाइनमेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको हम असाइनमेंट एक्सिम कहते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले हमने कंसेप्ट लिया था, आज हम इसकी दो तीन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. तो वीकेस्ट जो हमारे पास प्री कंडीशन है वो क्या है कि आई कॉलन इज इक्वल टू आई माइनस वन और आई इक्वल टू ज़ीरो. अब हम यहाँ पे जो हमारे पास आई है इसको हम कॉलन और इज इक्वल टू आई माइनस वन कह रहे हैं, ठीक है, और आई को हम अपने ज़ीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और साथ हम क्या कह रहे हैं कि आई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. अब इसमें जो हमारे पास डब्ल्यू पी है, हम क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू पी I colon is equal to, ठीक है, वन प्लस, हम इसमें कह रहे हैं म्यू, एंड ये आपका डिविजिबल बाय टू कॉमा वन लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू म्यू एंड वन लेस देन इक्वल टू टू, इसमें वन प्लस म्यू और डिवीजन टू और लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका म्यू आ रहा है. तो इसमें जो वीकेस्ट प्री कंडीशन है I इज इक्वल टू वन एंड कामा आई इक्वल ज़ीरो, और इसमें हम इसकी वैल्यू इसको ज़ीरो कर रहे हैं, और ये हमारे पास वन इक्वल ज़ीरो, ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन है, ठीक है. अब यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं, हिंस फॉर सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइनमेंट एग्जियम परफॉर्म गुड बट अवर प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी अब यहाँ पर जो हमारी कंक्लूजन आ रही है वो कंक्लूजन क्या आ रही है, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट है उसके जितनी भी आपके असाइनमेंट एग्जियम है वो परफॉर्म करता है, परफॉर्म गुड बट आवर प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी वो एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन तमाम को जो यूज़ करने के लिए जो परफॉर्म करता है. अब हमारे पास जो है रूल्स फॉर सिक्वेंशियल कंपोजिशन, अब जितने भी रूल्स हैं सिक्वेंशियल कंपोजिशन के लिए वो रूल्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब उसमें ये हमारे पास जो फोर फाइव रूल्स हैं इन रूल्स को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि सपोज दैट वी हैव ओनली सेट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन अलॉन्ग विद पोस्ट कंडीशन, सो वी नीड टू डिटरमाइन द वीकेस्ट प्री कंडीशन, यानी अब ये देखें ये हमारे पास जो इसमें फर्स्ट रूल आ रहा है, हम जिस फर्स्ट रूल को डिफाइन कर रहे हैं वो हम क्या उसको डिफाइन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट वी हैव ओनली सेट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन along with post condition, so we need to determine the weakest precondition. Post condition will be achieved. अब ये हमारे पास first rule है जो हमने define कर लिया है. अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो post condition है will be achieved after executing the last statement. यानी जो हमारे पास पोस्ट कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है वहाँ से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. उसका मतलब क्या है कि विच मीन्स दैट इफ वी आर एट वीकेस्ट प्री कंडीशन बिफोर लास्ट स्टेटमेंट देन मीट पोस्ट कंडीशन, अगर वो वीकेस्ट प्री कंडीशन है तो हम उसको मैच कर सकते हैं जो भी हमारे पास पोस्ट कंडीशन है, जो भी हमारे पास लिंक है, ठीक है. मीन्स दैट
वीकेस्ट प्री कंडीशन इज द पोस्ट कंडीशन फॉर द प्रीवियस स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हमारा मतलब क्या है कि जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है मीन्स दैट वीकेस्ट प्री कंडीशन इज द पोस्ट कंडीशन फॉर द प्रीवियस स्टेटमेंट. अब इसके अंदर जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है डब्ल्यू पी एस सेमीकोलन एस टू कामा क्यू इज इक्वल टू वीकेस्ट प्री कंडीशन एस वन कामा डब्ल्यू पी एस टू कामा क्यू. तो ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है, जो आपके सिक्वेंशियल कंपोजिशन के लिए यूज होते हैं. आज कभी जो हमने इन तीन फोर पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसकी अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ तो ये आपके पास कंडीशन बन रही है. ये कंडीशन क्या है कि एस वन कॉलन एस टू कामा क्यू एंड डब्ल्यू पी जो आपकी वीकेस्ट प्री कंडीशन है ये एस वन डब्ल्यू पी एस टू कामा क्यू है. तो अब इस तरीके से अपनी सिक्वेंशियल कंपोजिशंस के रूल प्री डिफाइन कर सकते हैं और उन रूल्स को हम जो है यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है जी. जी तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन रूल्स को फर्दर हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. हम आप ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे वीकेस्ट प्री कंडीशन आई थी वो x colon is equal to x plus 1, then colon y colon is equal to y plus 1, and comma x is equal to y. ये हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये कंडीशन आई थी. ठीक है जी. सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन आई थी जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन थी वो क्या थी कि x colon is equal to x plus 1, वीकेस्ट प्री कंडीशन y colon is equal to y plus 1, comma x इक्वल टू वाई, जिसको हमने कहा था कि ये हमारे पास ग्रुप पोस्ट कंडीशंस है विद लास्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ये हमारे पास जितनी भी पोस्ट कंडीशंस है उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट है ये उसके लिए है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये कहा था कि वीकेस्ट प्री कंडीशन एक्स कॉलन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन सेमी कॉलन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन. ये हम यूज करते हैं अपनी अप्लाई स्टेटमेंट, जितने भी हमारे एग्जियम्स हैं ये हम उन तमाम के ऊपर उसको यूज करते हैं. और इसमें हम क्या कहते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू y प्लस वन, यानी ये हमारे पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास x प्लस वन है दूसरी हमारे पास y प्लस वन है. इनको हम दोनों कहते हैं कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है, जिससे हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि x y है. अब ये इस सारे की इस जो ये जो रूल्स हम बना रहे हैं अपने सिक्वेंशियल कंपोजिशन के लिए उसका जो इस सारे का इस स्लाइड का जो क्रैक है, सो इफ वी स्टार्टेड विद इनिशियल कंडीशन, अगर हम इसको इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करें दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई एंड देन वी एग्जीक्यूटेड एक्स एंड वाई स्टेटमेंट देन वी विल एंड विद पोस्ट कंडीशन. यानी अब ये देखें कि हम क्या बात कर रहे हैं कि सो इफ वी स्टार्टेड विद इनिशियल कंडीशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई एंड देन वाई एग्जीक्यूटेड एक्स एंड वाई स्टेटमेंट देन वी विल एंड विद पोस्ट कंडीशन. यानी अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं जो अपनी अपनी जितनी भी कंडीशन है हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई एंड देन वी एग्जीक्यूटेड x एंड y स्टेटमेंट देन वी विल एंड विद पोस्ट कंडीशन. ठीक है, तो इन जितने भी हमारे पास ये रूल्स आ रहे हैं सिक्वेंशियल कंपोजिशन के, इन तमाम रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको लिंक करते हैं और लिंक करके इनको जो है वो अपनी लॉजिक के अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं. तो यहाँ से हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ से इन रूल्स के बेसिस के ऊपर है. अब हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास वीकेस्ट प्री कंडीशन थी, ठीक है, एक्स कॉलन इज इक्वल टू टू दैट इस तारीख एक्स प्लस वन कॉलन हमने वाई को कर दिया रेशलाइज कर दिया इज इक्वल टू वाई माइनस वन कामा वाई इज इक्वल टू थ्री स्टैरिक एक्स, हमने इसको थ्री स्टैरिक एक्स से लिंक कर दिया. और इसमें हमारे पास जो वीकेस्ट प्री कंडीशन है एक्स कॉलन टू इज इक्वल टू टू स्टैरिक एक्स प्लस वन, और फिर जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है वाई कॉलन इज इक्वल टू वाई माइनस वन कामा वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री स्टैरिक एक्स विच गोज, इसको हम कह रहे हैं ग्रुप पोस्ट कह रहे हैं कंडीशन विद लास्ट स्टेटमेंट. ये हमारे पास अब ये हमारे पास ग्रुप पोस्ट कंडीशन आ गई है. ठीक है, ये हम यहाँ पे अपनी ग्रुप पोस्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं. तो फिर आपके पास एक्स कॉलन टू इज इक्वल टू टू स्टैरिक एक्स प्लस वन कॉलन वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री स्टैरिक एक्स, यहाँ पे हम अपनी
जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है अपने असाइनमेंट एग्जाम्स का, अब हम यहाँ पे अपनी असाइनमेंट एग्जाम को अप्लाई करेंगे। जब हम इसको इस कंडीशन के ऊपर हम जब अपनी यहाँ पे असाइनमेंट एग्जाम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री स्टेरिक टू टू स्टेरिक एक्स प्लस वन, और फिर y इक्वल टू सिक्स सिक्स स्टेरिक एक्स प्लस फोर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हमने किस तरीके से यानी इन रूल्स को अपने डिफरेंट कंडीशंस को डिफरेंट लॉज को अप्लाई करके हम इसको जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इस सारे के लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइंड, यानी ये हम जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ये वो रूल्स हैं कि जिनके जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं कि आपने किस केस में क्या डिसीजन लेना है, किस केस में आपने क्या डिसीजन लेना है। तो वो जो रूल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमने अपने डिसीजंस लेने हैं, सबसे पहले क्या हम बात कर रहे हैं, प्री कंडीशन एंड पोस्ट। बेसिकली प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन बेसिकली गिव्स आ स्पेसिफिकेशन फॉर अ फंक्शन, यानी ये जो हमारे पास प्री कंडीशन होती है और जो पोस्ट कंडीशन होती है ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ये हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है एक फंक्शन का। यानी प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन की जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती है उसका जो फंक्शन होता है वो ये हमें प्रोवाइड करती है। नाउ वी हैव टू, ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट जो जो हमारे पास रूल है, फर्स्ट हम अपने फर्स्ट रूल में क्या बात कर रहे हैं कि प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन बेसिकली गिव्स आ स्पेसिफिकेशन फॉर अ फंक्शन। यानी प्री कंडीशन और जो पोस्ट कंडीशन है ये हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है एक फंक्शन के लिए। सेकंड हम क्या कहते हैं कि सेकंड रूल क्या है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अ फंक्शन आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन। यानी वो जितने भी फंक्शन है, जितने भी चीज़ें हैं, वो उन तमाम की स्पेसिफिकेशन को मीट करेगा, फाइंड करेगा, और स्पेसिफिकेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्री एंड पोस्ट कंडीशन। यानी आपके पास अब जितनी भी स्पेसिफिकेशन आ रही हैं वो प्री और पोस्ट कंडीशन की फॉर्म में आएंगी। ठीक है, या वो प्री कंडीशन होंगी या वो आपकी पोस्ट कंडीशन होंगी, वो सारी की सारी उसी फॉर्म में आती हैं और हम उसको उसी फॉर्म में ही जो है डिप्लॉय कर रहे होते हैं। वी कैन कैलकुलेट डब्ल्यू पी फ्रॉम पोस्ट कंडीशन इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट पोस्ट कंडीशन फ्रॉम डब्ल्यू पी, बट इट इज़ इजियर टू वर्क बैकवर्ड इफ ऑब्जेक्ट पोस्ट कंडीशन इज गिवन दैट इज इट इज से सो इजी एज कंपेयर टू हिडन ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत इस स्लाइड के अंदर सबसे क्रिटिकल, इसमें ये जो ये पैरा नंबर फोर है हमारे पास, या पॉइंट नंबर फोर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम क्या चीज़ जो है कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारी कंक्लूजन आ रही है वो क्या आ रही है, हम ये कह रहे हैं कि वी कैन कैलकुलेट डब्ल्यू पी फ्रॉम पोस्ट कंडीशन इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट पोस्ट कंडीशन फ्रॉम डब्ल्यू पी, बट इट इज़ इजियर टू वर्क बैकवर्ड। यानी अब यहाँ से अगर वो जो बैकवर्ड है वो हमारे पास ज़्यादा इजियर है, इफ़ ऑब्जेक्टिव पोस्ट कंडीशन इज गिवन दैन इट इज़ सो ईजी एज कम्पेयर टू हिडन ऑब्जेक्ट, वरना ये बहुत ईजी है, हम उसको जितने भी आपके आपके इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो जितने भी आपके कुछ तो होते हैं जो शो हो रहे हैं और कुछ जो होते हैं हिडन होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये उसका फोर पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा यानी इन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है जी, अब हम एनी रूल्स को सिक्वेंशियल कंपोजिशन के ऊपर जब अगर अप्लाई करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो, ये हमारे पास यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन है। ये जो इनिशियल कंडीशन है, अब यहाँ पे हम अपनी क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि टी कॉलन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स कॉलन इज इक्वल टू वाई एंड वाई कॉलन इज इक्वल टू टी, ये हम अपने थ्री वैल्यूज टी को हम एक्स, एक्स को वाई और वाई को टी कह रहे हैं, और एक्स इज इक्वल टू वाई ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, ये हमारी फाइनल आउटपुट है। यानी ये आप देखें, ये
हमारे पास प्री कंडीशन थी, ये सेट ऑफ वो सेक्शन थी, और ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन थी, ठीक है जी। तो अब इसमें जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रही है, या जो हमारे पास फाइनल, जो इसमें हमारे पास इसका फाइनल, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास ये आ रहा है। तो ये कुछ रूल्स है सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन के। अब हम इसमें एक और देखते एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है जी, आप देखें, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वाई जीरो एंड टी कॉलन इज इक्वल टू एक्स एंड टी इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वाई जीरो। ये इसमें वैल्यूज आ गई हैं, टी इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वाई जीरो। ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन बिकम प्री कंडीशन, यानी अब इसमें जो रूल है कि ये जो हम टी को हम एक्स जीरो कह रहे हैं और जो वाई को हम वाई जीरो कह रहे हैं, ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन बन रही है, बिकम प्री कंडीशन, यानी ये प्री कंडीशन बनने से पहले हम ये आप समझे कि ये आपकी पोस्ट कंडीशन बन रही है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक्स कॉलन इज इक्वल टू वाई कॉलन और वाई कॉलन इज इक्वल टू टी कॉलन, यानी अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स कॉलन इज इक्वल टू वाई कॉलन इज इक्वल टू टी और वाई इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो। यानी ये हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं कि वाई को हमने एक्स कह दिया और एक्स को हमने वाई कह दिया, अब यहाँ से जो इसके जो कंपैरेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, टी इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वाई जीरो, एक्स कॉलन इज इक्वल टू वाई देन टी इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो और टी इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो और वाई इज इक्वल टू टी और वाई इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो। ये हमारे पास जो है रूल्स हैं सिक्वेंशियल कंपोजिशन के, कि हम अपने सिक्वेंशियल कंपोजिशन के रूल्स को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है, होरेज कंसीक्वेंस रूल आता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो होरेज कंसीक्वेंस रूल है, इसमें हम एक तो हमारे पास लॉजिकल इम्प्लीकेशन होती है। अब लॉजिकल इम्प्लीकेशन के हमने रूल्स भी देखे थे, हमने उसमें उसके टेबल्स में कुछ लॉज देखे थे। हम अब ये उन्हीं उन्हीं लॉज और उन्हीं रूल्स के साथ मिल के ये इंटीग्रेट हुआ है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि जो जो आपका होरेज कंसीक्वेंस रूल है वो क्या है। फर्स्ट इसमें लॉजिकल इम्प्लीकेशन होती है, इफ स्टेटमेंट इज मॉडल बाय लॉजिकल इम्प्लीकेशन, यानी ये आपकी जितनी भी इसमें इंटीग्रेशन है या इसका जो लिंकेज है वो सारे का सारा आपका लॉजिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर है। आप जो आपकी लॉजिकल इम्प्लीकेशन है ये उसके ऊपर आपका लिंक कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ स्टेटमेंट इज मॉडल बाय लॉजिकल इम्प्लीकेशन, अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके अगर लॉजिकल मॉडल के साथ इम्प्लीकेट कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, पी विच इम्प्लाइज या इम्प्लीकेशन क्यू दैट इज इफ पी देन क्यू, अगर पी देन क्यू होगा तो हम अपना ये रूल डिफाइन कर सकते हैं। एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू तो क्यू एस आर आ जाएगा एंड पी एस आर आ जाएगा, और अगर आपके पास क्यू इम्प्लीकेशन आर है तो आपके पास फिर क्या आएगा, पी एस क्यू और पी यहाँ पे एस आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे होरेज कंसीक्वेंस रूल है, हम इसको होरेज कंसीक्वेंस जो रूल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। तो अब इसके जो हमारे डिफरेंट रूल्स हैं, जो जो हमारे पास इसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं या जो हमारे कंडीशनल रूल्स हैं इसके लिए, वो हम देखते हैं। अब इसमें क्या है कि पी एंड सी एंड एस क्यू, यानी पी एंड सी और फिर इसको हमने ये दो आप सबसेट कह लें, इसको एस के साथ किया एंड पी एंड नॉट सी इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी इफ सी देन एस क्यू। अब ये टू रूल्स हैं, यहाँ पे हम इसके जो है वो प्री डिफाइन करते हैं। वो रूल क्या है कि इफ इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, अगर ये टू पोर्शन में डिवाइड होता है तो या आपका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा,
So we'll check both true and false path and if in both cases with ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि so we'll check both true and false path if in both cases with ठीक है with and with q then our program will be correct. यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या आ रही है कि हम ये कहते हैं कि विल चेक बोथ ट्रू एंड फॉल्स पाथ एंड इफ इन बोथ केसेस विद विद एंड विद क्यू देन आवर प्रोग्राम विल बी करेक्ट. तो ये हमारे रूल्स हैं फॉर कंडीशनल के लिए क्या रूल्स हैं. अब यहाँ पे आप देखिए पहले ये था, अब हम जब इसको नेक्स्ट किया तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पी यानी इससे पहले हमें क्या था पी एंड नॉट सी क्यू था और अब क्या आ रहा है यानी ये भी चेंज हो रहा है और ये भी पी एंड नॉट सी एस टू क्यू ये हम इसको चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हम अपने डिफरेंट प्री डिफाइन जो है रूल्स इस पर डिफाइन कर रहे हैं अपनी मेच्योरिटी के लिए कि वो किस तरीके से मेच्योर होके इंटीग्रेट कर रहा है लिंक कर रहा है. अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है डिक्स्ट्रास हेल्थनेस कंडीशन. मैंने बताया था कि डिक्स्ट्रा ने बहुत से अल्गोस बनाए हैं और जो सबसे इसका इंडस्ट्रियल और सबसे जो सक्सेसफुल है दैट इज़ ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपकी राउटिंग हो रही है जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है मोस्टली OSPF को यूज़ किया जाता है और OSPF की जितनी पाथ सिलेक्शन है पाथ ठीक है पैकेट्स की डिलीवरी है ठीक है वो सारे के सारे जो है वो डिक्स्ट्रा ने डिज़ाइन किया था और इसका नाम जो है डिक्स्ट्रा इसलिए था कि जो शॉर्टेस्ट रूल थे जो पाथ सिलेक्शन थे कि ट्रैफिक को अगर आपने दो डिफरेंट लोकेशन में मूव करना है सेंड करना है तो हम इसमें जो चीज़ हम जिस चीज़ को यूज़ करते थे वो डिक्स्ट्रा अलगो था. तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि डब्ल्यू पी एस कमा फॉल्स दैट इज फॉल्स गोज एम्प्टी सेट. ठीक है जी, अब यहाँ पे फॉल्स क्या है कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मेरिका. ठीक है, अब ये आपका जो ये लॉ है ठीक है और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि डब्ल्यू पी एस कमा ट्रू दैट इज़ ट्रू ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. यानी यहाँ पे हम जो अपनी कंडीशन दे रहे हैं डब्ल्यू पी एस कमा ट्रू दैट इज़ ट्रू ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे जो हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन है ऑल स्टेट्स दैट गारंटी टर्मिनेशन ऑफ एस. अब जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम की जो टर्मिनेशन कंडीशन है हम जो यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं अपनी टर्मिनेशन कंडीशन की हम क्या कह रहे हैं कि ऑल स्टेट्स दैट गारंटी टर्मिनेशन ऑफ एस यानी वो जितनी भी हैं उन तमाम की आपकी गारंटी है कि वो आपकी जो टर्मिनेशन किस तरह होगी. सेकंड केस जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कि सेकंड केस इज स्पेशल वन एंड नॉर्मली नॉट इन प्रैक्टिस. ठीक है जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड केस है जिसको हम स्पेशल वन कह रहे हैं और ये हम अपनी डेली रूटीन की जो प्रैक्टिसेस है उसमें यूज़ नहीं करते. इन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स द प्रोग्राम टर्मिनेशन इज गारंटी. अब जितनी भी हमारे पास सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें जो प्रोग्राम की टर्मिनेशन होती है उसकी गारंटी होती है उसकी श्योरिटी होती है कि जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाएगा वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा. व्हेन प्रोग्राम में नॉट टर्मिनेट अगर टर्मिनेट ना हो इन दैट केस क्या होगा तो स्टक इन इनफाइनाइट लूप यानी वो एक ही केस में टर्मिनेट नहीं होगा कि अगर उसमें हम अपना इनफाइनाइट लूप यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इसमें पॉइंटर पॉइंट्स है वो ये है कि जो हमारी जितनी भी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो हमारी प्रोग्राम की टर्मिनेशन है वो उस चीज़ की गारंटी होती है और जो हमारा प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट नहीं होता और ये आपका इनफाइनाइट लूप में स्टक हो सकता है. इस सारे को हम अपना डिक्स्ट्रा हेल्थनेस कंडीशन कहते हैं और ये आपके पास डिक्स्ट्रा अल्गो है हम जिसको यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं और यानी ये आपकी जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेट के ऊपर OSPF में यूज़ होता है. देन इन द केस ऑफ लूप्स कि अब जो आपके पास इन द केस ऑफ लूप्स व्हेन वी
when we will give argument about program correctness, then first loop in question actually termination, if it did not then no post condition. अब यहाँ पे next जो हमारे पास इसमें रूल है, ठीक है, वो रूल क्या है? हम क्या कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ लूप्स when we will give arguments about program. अब हमारे पास जितने भी प्रोग्राम करेक्टनेस के आर्गूमेंट है, देन फर्स्ट लूप इन क्वेश्चन एक्चुअली टर्मिनेट, इफ इट डिड नॉट देन नो पोस्ट कंडीशन. अगर वो नहीं है तो हम उसमें ऊपर कोई भी अपनी पोस्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे. इफ द लूप टर्मिनेट देन आर्गू अबाउट अदर, अगर लूप आपका टर्मिनेट होता है तो फिर आप उसकी आर्गू कर सकते हैं. Secondly, if loop terminate, then what condition occur after it? यानी अगर loop terminate होता है तो फिर उसमें कौन सी conditions है जिसके ऊपर वो आपका कर होगा, जिसके ऊपर वो आपका link होगा. और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास weakest precondition है, while 0 is equal to n, do n colon is equal to n minus 1, और ये आपका true है, और 0 less than equal to n आ रहा है. So, if we start with my other value of n, that is minus 1, then we will not get n is equal to 0. So, ye iski kuch conditions hai, hum jin conditions ko use karke, usko implement karte hai, usko link karte hai, aur usko integrate karte hai. Ab, next jo cheez aati hai, wo aati hai verification ki. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फॉर्मल मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, जो आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, वो आपने स्पेसिफिकेशन की बेस के ऊपर किया है. और अगर आपकी स्पेसिफिकेशन ही मैच नहीं कर रही तो वो आप मैच करने के लिए अब क्या उसके लिए वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी बड़ी, जिसको हम V&V कहते हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, आर वी कैन से वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ठीक है जी, तो वेरिफिकेशन में हम क्या चीज़ देख रहे हैं? इनवेरिएंट. इनवेरिएंट क्या है? समथिंग विच इज अनचेंजिंग, ठीक है, ऐसा जो हम जिसको चेंज नहीं कर सकते. की टू प्रूव फॉर प्रोग्राम कंटेनिंग लूप्स आइट्रेशन आर रिकर्शन. यानी अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि समथिंग विच इज अनचेंजिंग, की टू टू प्रूव फॉर प्रोग्राम कंटेनिंग लूप्स आइट्रेशन आर रिकर्शन. यानी अब ये जो हमारे पास इनवेरिएंट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो जिसमें हम अनचेंज करते हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट की टू प्रूव्स पर प्रोग्राम कंटेनिंग, इसमें हम अपने डिफरेंट लूप्स यूज़ करते हैं, और ये हम अपनी आइट्रेशन और रिकर्शन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब वो जो आइट्रेशन और रिकर्शन है किस तरह, ये इसके डिफरेंट सिम्बल्स हैं. क्वेश्चन, अब ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं, क्वेश्चन सीम्स टू आस्क फॉर द नेक्स्ट चेंज, आंसर लाइज इन डिटरमाइनिंग व्हाट डज द चेंज. ये आप समझने वाली बात है कि क्वेश्चन सीम्स टू आस्क फॉर द नेक्स्ट चेंज, के नेक्स्ट चेंज क्या है, आंसर लाइज डिटरमाइनिंग व्हाट डज द चेंज. ठीक है, कि आप उस पॉइंट में किसको चेंज नहीं कर सकते, किस तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, व्हाट वॉज द इनवेरिएंट कंडीशन इन डिक्स्ट्रा गेम. अब हमने डिक्स्ट्रा गेम जो है, जो आपकी बनी हुई, अब हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशंस है, क्या इनवेरिएंट, ठीक है, आपकी इनवेरिएंट कंडीशंस है, ठीक है, जो हम इसमें जो यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं. पुलिंग द बॉल फ्रॉम जायर is an iterative process. ठीक है, यानी अब ये कुछ rules हैं, ठीक है, आप इनको समझिए कि हम क्या कहते हैं कि pulling the ball from Jair is an iterative process. ठीक है, हम जब उससे balls को pick कर रहे हैं तो ये एक iterative process है कि parities of white balls हम इसमें count कर रहे हैं. That is, if we started with even number of white balls, we should have ब्लैक बॉल एट द एंड. यानी अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से, तो जो वाइट बॉल्स हैं वी वुड हैव ब्लैक बॉल एट द एंड. इफ वी हैव स्टार्टेड विद ऑड नंबर्स ऑफ वाइट बॉल्स, देन कलर ऑफ द लास्ट बॉल वुड बी वाइट बॉल. यानी अब यहाँ पर जो रूल है कि इफ वी हैव स्टार्टेड विद
odd numbers of white balls, then color of the last ball, जो last ball है वो would be white ball, ठीक है, वो जो आपकी ball होगी वो आपकी white ball होगी. तो ये हमारे पास कुछ points हैं, इन points के ऊपर हम अपनी verification करते हैं, वो देखते हैं किस तरह करते हैं. अब यहाँ पे हम सबसे first क्या देखते हैं, invariant. Invariant के अंदर आप देख रहे हैं कि parity of the white ball does not change. यानी जो सबसे फर्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी पैरिटी ऑफ द वाइट बॉल है वो चेंज नहीं होती. दैट इज़ इफ वी टेक आउट टू वाइट और ब्लैक बॉल आउटसाइड जैर, इन दैट केस वी पुट अ ब्लैक बॉल इनसाइड जैर. यानी अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इफ वी टेक आउट टू वाइट और ब्लैक बॉल्स आउटसाइड जैर, In that case, we put a black ball in the jar. Second, क्या हमारे पास कि number of white balls either reduced by two or zeros, यानी वो या तो हम उसको two or zero से iterate कर सकते हैं. Parity does not change, वो change नहीं होगी. Second case, if got different color balls, we put the white ball black. into the jar, so parity does not change. यानी अब आप ये देखें, हम अगर बात कर रहे हैं कि if got different color balls, we put the अब यहाँ पे जो हमारे पास first जो rule हमने क्या बताया है कि number of white balls either reduced by two or zeros, that is parity does not change. parity change नहीं होगी. second हम क्या कहते हैं, If got different color balls, अगर हमारे पास different color की balls आती है, we put the white ball black into the jar, so parity does not change. अब यहाँ पे हम किस चीज़ को सोच रहे हैं, think कि identify the pattern would lead us to identify the color of the lost ball. यानी ये जो हमारी thinking है वो क्या है कि हम यहाँ पे different जो patterns हैं उन patterns को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसकी जो आपके मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनकी कंक्लूजन किस बेसिस के ऊपर होती है. अब वो जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, द पैटर्न वुड लेड अस टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द लास्ट बॉल. व्हाई इनवेरिएंट कंडीशन इज इम्पोर्टेंट. अब इस सारे केस में जो क्वेश्चन अरेज होता है कि हमें इनवेरिएंट कंडीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम अपनी इनवेरिएंट कंडीशन क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रेज होता है. एंड सेकंड क्या है कि व्हाई इनवेरिएंट कंडीशन. अब इसका आंसर देखें कि ये एक यानी इस सारे केस, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी वेरिफिकेशन है, इस वेरिफिकेशन की हम यहाँ में जो हम अपना क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि व्हाई इनवेरिएंट कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास जो इनवेरिएंट कंडीशन है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका क्या रोल है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों हम उसको कह रहे हैं, इसका आंसर हम देखते हैं. बिकॉज ऑफ आइट्रेशन यू वॉन्ट टू क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब यानी ये देखें आप कि यहाँ पे जो उस आइट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि जो हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया कि व्हाई इनवेरिएंट कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आंसर क्या आया कि बिकॉज ऑफ आइट्रेशन यू वांट टू क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम अपना रिजल्ट चाहते हैं. देखिए, हमने यही बात की थी ना कि जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो आप जब आपने स्पेसिफिकेशन फाइंड करते हैं, तो जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि जो आपका एनालिसिस है, जो आपका डिज़ाइन है और जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, उन तमाम चीज़ों को जब आप डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करके लिंक करते हैं, तो फाइनली जब आप उसकी क्या करना है कि आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है और आपने उसकी वैलिडेशन करनी है. अब जो आपके पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है
उसके लिए कोई मेथड, कोई टेक्निक। हमने ये कहा था कि हम इसमें अपने क्वालिटी शोज के फॉर्मल मेथड्स के अंदर हम अपने डिफरेंट क्वालिटी शोज के स्टैंडर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं करते, हम उनको इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो है कि हमने ये देखना है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डिफाइन किया है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, एग्जैक्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, और हमने किस रिक्वायरमेंट के साथ उसको मैच किया है, हमने किन रिक्वायरमेंट के साथ उसको इंटीग्रेट किया है। तो वो जो वेरिफिकेशन है हमारे पास, वो वेरिफिकेशन क्या थी, और उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर और रूल्स और लॉज क्या हैं, हम किन वेरिफिकेशन के तहत उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या कहा कि बिकॉज ऑफ आइट्रेशन यू वांट टू क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो है वो क्लोज होना चाहते हैं, कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी, हम उसके साथ जो हमारा आंसर है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसको लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम जो एग्जैक्टली यूज़र चाहता था, क्या यूज़र को वही चीज़ डिलीवर हो रही है। देन हम ये कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो सम पैटर्न विच विल लीड्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन आइटरेटिव प्रोसेस। देखिए आइट्रेस्ट जो आपकी आइट्रेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है कि हम एक मॉड्यूल बनाते हैं, चेंजेस देखते हैं, दूसरा बनाते हैं, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स लेते जाते हैं, रेक्टिफाई करते जाते हैं, सॉफ्टवेयर की आपकी जो है वो उसमें जो बग्स एरर्स होते हैं वो हम उसको रिमूव करते जाते हैं और उसको चेंज। तो ये हमारे पास एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो यही आ रहा है कि यू हैव टू फॉलो सम पैटर्न विच लीड्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव। हम एक स्टेप उसके 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 क्लोज हो, उसके लिंक हो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इन द आइट्रेटिव प्रोसेस, दैट्स वाई वी आर डूइंग वेरिफिकेशन। तो ये दो स्टेप्स हैं कि एक तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास होना चाहते हैं, और दूसरा जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है, हम उसके क्लोज लिंक करके उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तब आप ये देखें कि नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, अब ये भी देखें फॉर्मल मेथड्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि आप इस मेथड में देखें, कैन यू कंप्लीट कवर द चेस बोर्ड विद दीज। अब देखें इसमें जो डिफरेंट डोमिनीज है, विदाउट पार्शली यूजिंग अ डोमिनी, इफ सो हाउ, इफ नॉट प्रूव दैट यू कैन नॉट। अब देखें ये एक क्लासिकल चेस गेम है, हर बहुत से लोग खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो इस क्लासिकल प्रॉब्लम को अगर हम इंटीग्रेट करें या इसको हम फाइंड करने की कोशिश करें, तो हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किस बेसिस के ऊपर हो रही है, किन पॉइंट्स के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, लिंकेज किस पॉइंट के ऊपर इसकी हो रही है। तो ये हमारे पास मतलब एक सिंपल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। अब इस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को हम इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि ये चेस बोर्ड है और इसमें हमने पार्शियली विदाउट पार्शियली यूजिंग अ डोमिनो, इफ सो अगर हम कर सकते हैं, इफ नॉट अगर नहीं कर सकते तो इसको अब हमने इसको मैथमेटिकल प्रूव करना है, मैथमेटिकल हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब इस तरह के जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं इनको प्रूव करने के लिए सर्टन रूल्स हैं, सर्टन रेगुलेशंस हैं, सर्टन मेथड्स हैं। हम उन रूल्स को, रेगुलेशंस को, मेथड्स को यूज़ करके इस तरह के जितने भी क्लासिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अब फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि की ऑफ इनवेरिएंट कंडीशन, यानी की ऑफ इनवेरिएंट कंडीशन दैट इज शेप ऑफ द टाइल्स which we are using to cover the chessboard some information stored in color. अब ये सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि की ऑफ इनवेरिएंट कंडीशन, कि जो हमारे पास की है इनवेरिएंट कंडीशन की, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि शेप ऑफ द टाइल्स विच
we are using to cover the chessboard some information stored in color. हम उसमें से कुछ जो information है उसको color में store कर सकते हैं. Given piece will cover. अब यानी ये तो ये तुम्हारे पास first invariant यानी जो हमारे पास first invariant condition है वो क्या आ गई, वो condition तो ये आ गई हमारे पास कि हम key of invariant condition में कि shape of the tiles which we are using to cover the chessboard, जो वो tiles हैं जो chessboard के cover को cover कर रही हैं, some information store in, यानी कुछ information उन colors में store है, ठीक है जी. अब second जो हमारे पास point है, given piece will cover one light and one blue tile because on a chessboard we do not have the two white or black tiles adjacent to each other. तो इसमें जो हमारे पास second point है, हम अपने second point में क्या चीज discuss कर रहे हैं कि given piece will cover one light and one blue tile because on a chessboard we do not have two white or black tile. यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास conditions आ गई है, हम वो conditions की क्या बात करते हैं कि हमारे पास chessboard पे दो white और दो black tiles है adjacent, यानी we do not have, हम ऐसा कोई नहीं रखते कि जो two white और black tiles हो adjacent to each other, यानी उसके जो adjacent है वो दो white tiles भी हो और दो black tiles भी हो, इस तरह का हमारे पास जो है चेस बोर्ड में ऑप्शन नहीं है, है. अब थर्ड क्या है कि वी हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड वाइट स्केल्स ऑन चेस बोर्ड. यानी अब ये भी एक थर्ड पॉइंट है जो आपका इंपॉर्टेंट है कि वी हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड वाइट स्केल्स ऑन चेस बोर्ड. यानी अब हमारे पास जो ब्लू और जो ब्लू और वाइट स्केल्स है वो इक्वल नंबर्स में है. अगर अगर 20 है तो 10 ब्लू होंगे 10 वाइट होंगे, 30 है तो 15 ब्लू होंगे और 15 वाइट होंगे. नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्केल्स, अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्केल्स नहीं है देन वी विल नॉट कवर द होल चेस बोर्ड. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है कि इस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि इफ डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ से, अगर जो आपके स्केल्स है अगर वो आपके इक्वल नहीं है वी विल नॉट कवर द होल चेस बोर्ड, यानी हम जो पूरा चेस बोर्ड है उसको कवर नहीं कर सकते. अब यहाँ पे ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है. अब और जो कंडीशन है, अब ये वो कंडीशन है जो आइटरेटिव कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इसको मैनिपुलेट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि वी हैव रिमूव्ड टू स्केल्स ऑफ द सेम कलर दैट इज, अब हम यहाँ से जो टू कलर्स हैं वो हम यहाँ से रिमूव करेंगे. यानी वी हैव रिमूव्ड टू स्केल्स ऑफ द सेम कलर, यानी जो सेम कलर्स हैं जो टू कलर्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया. वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू, यानी ठीक है कि वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू देन वाइट दैट इज 32 ब्लू एंड 30 वाइट. अब ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि कंडीशन क्या हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास चेस गेम थी, ठीक है, और इसमें आप देखें कि हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या था कि हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे थे कि डैश चेस बोर्ड विद दीज डोमेन्स विदाउट पार्शियली यूजिंग अ डोमेन, इफ सो हाउ, यानी हम पार्शियली करना चाह रहे हैं, इफ नॉट प्रूव दैट यू कैन नॉट. अब ये वो बॉक्सेस हैं, हम इसमें ब्लू हैं ब्लैक हैं वाइट हैं जो हम जिसकी बात कर रहे थे, जो जिन कंडीशन को हम पीछे देख रहे थे, अब वही कंडीशन, ये वो कंडीशन है आपके पास, हम जिस कंडीशन की बात कर रहे थे कि वी हैव रिमूव्ड टू स्केल. अब हमने यहाँ पे यानी ये फोर कंडीशन दे दी हमने, पहली कंडीशन हमने ये उसमें बता दी है कि जो टाइल्स हैं वो आपकी कवर्ड है, फिर हमने बता दी है कि उसमें वन लाइट है वन ब्लू है, ठीक है जी, फिर हमने ये बता दिया है कि उसमें ब्लू और वाइट स्केल जितने भी है वो आपके इक्वल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर 10 है तो वो भी 10 है, अगर 20 है तो
तो दूसरे भी 20 है। फिर हमने ये भी कह दिया है कि इफ डू नॉट हैव इक्वल, अगर आपके जो स्केयर्स हैं वो इक्वल नहीं है तो फिर हम पूरे जो है वो चेस बोर्ड को कवर ही नहीं कर सकते। और ये रूल्स के बेस के ऊपर हमने जो अपनी कंडीशन डिफाइन की है, वो कंडीशन क्या डिफाइन की है, वो हमने डिफाइन की है कि वी हैव रिमूव्ड टू स्क्योर्स ऑफ द सेम कलर। हमने अपने जो टू कलर्स हैं उसमें हमने जो उन दोनों को हमने सेम कलर का लिया है। वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू देन वाइट, दैट इज 32 ब्लू। अब हमने 32 इसमें ब्लू लिए हैं और 30 हमने वाइट लिए हैं। तो ये हमारी क्लासिकल प्रॉब्लम की कंडीशन थी। अब हम यहीं से नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे कि इस चेस गेम की कंडीशन क्या है, इसकी लैंग्वेज किस तरह लिखनी है, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिकेशन किस तरह बनानी है। तो अब ये देखेंगे इसी सारी की सारी हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं, आइट्रेटिव है, हमने अपना प्रीडिकेट कैलकुलस पढ़ा है, हमने अपनी हमने अपना प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं भी बेस कर रही है। तो अब यानी हमने अब लास्ट 2-3 लेक्चर से, अब अगर 3 लेक्चर से आप देख रहे हैं कि हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उन तमाम फॉर्मल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है और कैसे हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।